जी हाँ, स्वागत है आपका। फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न, प्रश्न नंबर 381, डार्क हॉर्स के नाम से कौन सी टीम विख्यात है? तो इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। प्रश्न नंबर 382, SAI का पंजीकरण किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब होगा 1982 में। प्रश्न नंबर 343, SAI का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1984 में। प्रश्न नंबर 384, क्रिकेट में कुल अंपायर कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 4। प्रश्न नंबर 385, 214 के एशियन खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ने कितने गोल्ड जीते थे? तो इसका सही जवाब होगा 4 गोल्ड मेडल। प्रश्न नंबर 386, स्पोर्ट्स म्यूजियम कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा पटियाला 1961 में। 387, 1973 में राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो सही जवाब होगा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान। प्रश्न नंबर 388, एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान। प्रश्न नंबर 389, जी हां, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 389 की, ट्रिपल जंप कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 15वीं शताब्दी में जर्मनी में। प्रश्न नंबर 390, कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बर्फ पर हॉकी। प्रश्न नंबर 391, कनाडा का कौन सा खेल गर्मियों में खेला जाता है? तो सही जवाब होगा लैक्रोस। प्रश्न नंबर 392, विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा गजेटो डेलो स्पोर्ट्स। प्रश्न नंबर 393, लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मुल्कराज आनंद। प्रश्न नंबर 394, विश्व के शतरंज खेलों का नियंत्रण करने वाला निकाय कौन सा है? फिडे, FIDE, फिडे। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 395 का, विश्व चेस फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो 20 जुलाई 1924 में हुई, फ्रांस में, पेरिस में। चलिए प्रश्न नंबर 396, भारत सरकार द्वारा नाडा की स्थापना कब की गई? तो 24 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 397, बटरफ्लाई किससे संबंधित है? तो यह है तैराकी से संबंधित। ड्यूस किससे संबंधित है? टेनिस से। पिवॉट किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। प्रश्न नंबर 398, थ्रो इन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो सही जवाब होगा फुटबॉल और बास्केटबॉल। प्रश्न नंबर 399, VMI 30 के बराबर या अधिक हो तो माना जाएगा कि मोटापा से ग्रस्त श्रेणी में आएगा, मोटापा से ग्रसित श्रेणी में आएगा, VMI 30 के बराबर हो या अधिक। तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद।